चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद इसरो ने कई सारे नए स्पेस मिशन को अनाउंस किया है, जिनमें से एक है चंद्रयान 4। यह भारत और जापान का एक जॉइंट मिशन होने वाला है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद पर मौजूद पानी और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यह जानने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 4 के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। हमने उस वीडियो में इसरो के बाकी स्पेस मिशन के बारे में भी चर्चा की थी, जैसे आदित्य L1 और मंगलयान 2। यह उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको इसरो के और भी बहुत सारे मिशन के बारे में बताने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं गगनयान। भारत अंतरिक्ष में बहुत सारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को तो भेज चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय को अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया है। गगनयान मिशन के अंतर्गत इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और यह मिशन अगले ही साल परफॉर्म किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ 3 देश ही अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को भेज पाए हैं, और वह 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। रूस पहला ऐसा देश था जिसने किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था। यूरी गगारिन नाम की यह व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे, और इन्होंने वहां पर करीब 1 घंटा 40 मिनट का समय बिताया था। इसरो के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट 2023 में ही परफॉर्म की जाएगी। कुछ दिन पहले इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर गगनयान के पैराशूट टेस्ट का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए ये बात तो कंफर्म होती है कि इसरो बहुत जल्द ही इस मिशन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन 2023 में होने वाला मिशन अनक्रूड होगा, यानी उसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। अभी वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ टेस्ट और स्टडी करना चाहते हैं, ताकि असली एस्ट्रोनॉट को भेजते समय किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 2024 में इसरो गगनयान की दूसरी टेस्ट फ्लाइट और पहली क्रूड फ्लाइट कंडक्ट करेगा, यानी 2024 में भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जा पाएंगे। गगनयान के 2 हिस्से होंगे, जिसमें से पहला हिस्सा होगा क्रू मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा होगा सर्विस मॉड्यूल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्रू मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद रहेंगे। यह हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसमें ही मौजूद रहकर एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन प्रतिदिन के काम कंप्लीट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गगनयान मिशन में पार्ट लेने वाले एस्ट्रोनॉट करीब 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, और वहीं मौजूद रहकर ये अपनी स्टडी एंड रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। इस स्टडी का एक मुख्य हिस्सा ये जानना होगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद इंसानों की बॉडी को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्रू मॉड्यूल के अलावा गगनयान में एक सर्विस मॉड्यूल भी मौजूद होगा। इसी मॉड्यूल में स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम और पावर सिस्टम मौजूद होगा। प्रोपल्शन सिस्टम वह हिस्सा होता है जिसके जरिए स्पेसक्राफ्ट को पावर मिलती है और वह आगे बढ़ पाता है। प्रोपल्शन का मतलब होता है ईंधन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करना और उस एनर्जी के जरिए आगे बढ़ना। बाकी सभी मिशन की तरह ही गगनयान को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, जो श्री हरिकोटा में मौजूद है। इसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, जो इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट का एक दूसरा वर्जन है। गगनयान मिशन की डेवलपमेंट की शुरुआत 2012 में ही हो गई थी, और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2022 में कंडक्ट किया जाना था, लेकिन COVID-19 आ जाने की वजह से इस मिशन को पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2023 में ही कंडक्ट किया जाएगा, जिससे गगनयान मिशन के अगले साल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन के लिए वैज्ञानिक एक AI रोबोट भी तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम है व्योम मित्रा। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगी, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव और बातचीत करेगी। यह ग्राउंड कंट्रोल में बैठे हुए वैज्ञानिकों से बात कर पाएगी, और स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट पैनल्स को पढ़ने के भी काबिल होगी। इस टेस्ट फ्लाइट के बाद वैज्ञानिक पहले रियल फ्लाइट को कंडक्ट करेंगे, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद होंगे। यह एस्ट्रोनॉट 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे और पृथ्वी का चक्कर काटते रहेंगे। यह ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होगा। अंत में स्पेस से वापस आते समय क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, और वैज्ञानिकों को पानी में लैंड कराया जाएगा।
लैंडिंग की इस प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहा जाता है और यह सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक होती है। नासा द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आने के बाद इसी तरह से लैंड करते हैं। गगनयान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वह इंसानों के साथ और इंसानों के बिना दोनों ही तरीकों से परफॉर्म कर सकता है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी और साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मिशन में करीब 9023 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। शुक्रयान। वीनस यानी शुक्र हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद ग्रह है। इसका साइज और डेंसिटी ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी के जैसे ही है, जिस वजह से इसे कभी कभी पृथ्वी का ट्विन भी बुलाया जाता है। लेकिन साइज और डेंसिटी के अलावा शायद ही इसकी कोई और चीज हमारी पृथ्वी से मेल खाती हो। जहां हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, वहीं वीनस का एवरेज तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये हमारी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जहां कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिक पाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह पर भेजा गया सबसे लंबे समय तक टिकने वाला स्पेसक्राफ्ट मात्र 2 घंटे तक फंक्शन कर पाया था। इस ग्रह की भीषण गर्मी और टॉक्सिक वातावरण की वजह से वह स्पेसक्राफ्ट मात्र 2 घंटे में ही खराब हो गया था। जिस तरह से हमारी पृथ्वी में मौजूद बादल वाटर वेपर से बने होते हैं, वैसे ही वीनस के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मौजूद होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी की वर्षा होती है, वैसे ही शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड केमिस्ट्री में मौजूद कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में से एक है और यह किसी भी चीज को आसानी से गला सकता है। अगर हाइपोथेटिकल आप शुक्र ग्रह के अंदर जाएंगे तो आप 1 सेकंड से ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तापमान और जहरीला वातावरण होने के अलावा शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। इसके वातावरण में मौजूद गैस और बादल बहुत ही घने हैं, जिस वजह से सूर्य से आने वाली रोशनी ग्रह के अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो इस ग्रह के तापमान को इनक्रीज करता है। अभी तक शुक्र ग्रह पर कई सारे मिशन को भेजा जा चुका है, जिसमें से सबसे पहला मिशन नासा द्वारा 1962 में किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र पहला ऐसा ग्रह था जिसे किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्सप्लोर किया गया था। इस मिशन का नाम था मैरिनर 2 और इसके जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और वातावरण को समझने का प्रयास करना चाहते थे। इसके बाद कई सारे मिशन को वीनस पर लॉन्च किया गया, जिसमें से सबसे सक्सेसफुल मिशन रूस द्वारा किए गए। रूस ने वेनेरा सीरीज के अंतर्गत 10 से भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स को शुक्र की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया। इसमें से काफी सारे मिशन फेल भी हुए, लेकिन ओवरऑल इसके जरिए रूस ने वीनस के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा की। कुछ ऐसा ही मिशन परफॉर्म करने के लिए इसरो भी 2024 में शुक्रयान को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ये अनाउंस कर चुके हैं कि वह दिसंबर 2024 में इस मिशन को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसरो को करीब 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद 2031 में इस मिशन को परफॉर्म किया जा सकेगा। इसरो अपने मिशन को बहुत कम पैसों में करने के लिए फेमस है। अगर 2031 के अलावा किसी भी साल में इस मिशन को कंडक्ट किया जाएगा तो एक्स्ट्रा ईंधन खर्च होने की वजह से इस मिशन की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इसरो के वैज्ञानिक बिल्कुल भी नहीं चाहते। 2026 और 2028 में भी शुक्र ग्रह ऐसी पोजीशन पर मौजूद होगा जहां लॉन्च करने पर ईंधन कम खर्च होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन को करने की अगली परफेक्ट डेट 2031 में ही आएगी। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी यह सिर्फ शुक्र ग्रह का चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए ये जानना चाहते हैं कि शुक्र के घने बादलों के नीचे क्या मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस बताए गए हैं। नासा की वैज्ञानिक मिशेल थॉलर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वे 100% श्योर हैं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जीवन मौजूद होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र ग्रह में फॉस्फीन गैस पाई गई है, जो नेचुरली सिर्फ जीव जंतुओं द्वारा ही रिलीज की जाती है। इसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है।
जो वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में होना बहुत ही मुश्किल है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि शुक्र ग्रह पर कार्बन बेस्ड से ज्यादा सिलिकॉन बेस्ड जीवन मौजूद होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा सच होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के जरिए भारत ने पहली बार चांद पर पानी की डिस्कवरी की थी। शायद 2024 में होने वाले इस मिशन के जरिए इसरो के वैज्ञानिक पहली बार शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज कर लें। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी। इस मिशन में भारत अकेले स्टडी एंड रिसर्च नहीं करेगा, बल्कि स्वीडन भी इसमें भारत को ज्वाइन करेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स द्वारा डेवलप किया गया वैन यूजियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट शुक्रयान में फिट किया जाएगा। यह सूर्य से निकलने वाले उन पार्टिकल्स को स्टडी करेगा जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल से आकर टकराते हैं। इस मिशन में प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और सब मिलीमीटर वेवलेंथ में देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इसके जरिए वैज्ञानिक शुक्र को अलग अलग नजरिए से देखकर उस पर स्टडी कर पाएंगे और उसके वातावरण और सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। इसके जरिए साइंटिस्ट को ये भी पता चलेगा कि पृथ्वी जैसे ग्रहों का इवोल्यूशन कैसे होता है और ग्रह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसे कैसे बंजर बना देती हैं। इस मिशन का एक मकसद ये भी जानना होगा कि कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेट चेंज ग्रह को इफेक्ट करता है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पिछले 50 सालों में हमारी पृथ्वी को पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। वैज्ञानिक शुक्र को स्टडी करके पृथ्वी के भविष्य को जानने की कोशिश करेंगे। जो गैस पृथ्वी में पॉल्यूशन द्वारा रिलीज की जा रही है वही गैस शुक्र के वायुमंडल में पहले से ही मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पर ऐसे ही पॉल्यूशन होता रहा तो धीरे धीरे ये भी शुक्र ग्रह जैसी बन जाएगी। अब यह मिशन 2024 में लॉन्च हो पाता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। वैसे भारत के अलावा चीन और अमेरिका भी वीनस पर मिशन लॉन्च करने वाले हैं। निसार यानी नासा इसरो सार। भारत 2024 में स्वीडन के साथ और 2026 में जापान के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसरो का एक मिशन ऐसा भी है जिसमें वह नासा के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। निसार नाम के इस सैटेलाइट मिशन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। नासा और इसरो द्वारा कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया यह सैटेलाइट मिशन पृथ्वी के लो ऑर्बिट में इसकी परिक्रमा करेगा। वैज्ञानिक इस सैटेलाइट के जरिए किसी दूसरे ग्रह को नहीं बल्कि अपनी ही पृथ्वी को स्टडी करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक मात्र 12 दिनों में यह सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को मैप कर लेगी। वैज्ञानिक इसके जरिए पृथ्वी के एक सिस्टम में होने वाले चेंज को नोटिस करके उसके मैप बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 50 सालों में पृथ्वी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और इस चेंज को ट्रैक करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। निसार के जरिए भारत और अमेरिका पृथ्वी के इकोसिस्टम, पृथ्वी में मौजूद बर्फ के द्रव्यमान, पृथ्वी की वेजिटेशन, इसका बायोमास और समुद्र लेवल के इंक्रीज होने को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा इस सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोस और लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल हजार्ड्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। निसार में सार का फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन डेटा कलेक्ट करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। इस मिशन को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया जाएगा और नासा का कोलैबोरेशन मिलने से हम इस मिशन को और भी सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके जरिए हमें एग्रीकल्चरल लैंड्स और जंगलों में होने वाले चेंजेस को समझने में आसानी होगी। फिलहाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस सैटेलाइट को जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहकर इसका चक्कर लगाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सैटेलाइट हर 12 दिन में पृथ्वी का एक नक्शा तैयार करेगी जिससे वैज्ञानिक पृथ्वी में होने वाले चेंजेस को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इस मिशन को करीब 3 साल तक फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि मिशन अपने बेसलाइन ड्यूरेशन से ज्यादा ही परफॉर्म करते हैं। इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद बहुत सारे नए स्पेस मिशन परफॉर्म करने वाला है जो भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। धीरे धीरे हमारा भारत भी अमेरिका, चीन और रूस के जैसे हाईली डेवलप्ड बनता जा रहा है और इसकी शुरुआत स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है।
वैसे आपको क्या लगता है कि स्पेस मिशंस पर पैसे खर्च करना एक सही बात है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।